हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मनीषा जैन व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं जाने वाली हूँ लोनावला। हमारा जो गांव का सम्मेलन है वो है वहाँ पर। गांव का सम्मेलन इन द सेंस ऑफ गेट टुगेदर, जो मुंबई में अलग अलग एरियो में रहते हैं तो सब एक जगह इकट्ठे होंगे, वहाँ पर फंक्शंस होंगे। जो भी होगा वीडियो में मैं पूरा आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। सो मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग यहाँ से निकल गए थे 5:30 बजे। अप्रोक्स 3-4 घंटा हम लोग को लगा था पहुँचते पहुँचते। सो सब बच्चे, सब फैमिली पूरा जा रहा है हमारा। काफ़ी टाइम के बाद मैं गांव का सम्मेलन अटेंड कर रही हूँ। 2 साल तो कोरोना में चला गया था, उसके पहले भी शायद मैंने एक अटेंड नहीं किया था, तो अप्रोक्स 3-4 साल हो गया है। सो मैंने गांव का सम्मेलन अटेंड नहीं किया था और इस बार लोनावला भी था, तो सोचा चलिए चलते हैं और लोगों से मिलना भी हो जाएगा, पहचान भी बढ़ती है, लोग हमें पहचानते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, सब एक दूसरे से पहचान बढ़ती है। इसलिए ये सम्मेलन रखा जाता है ताकि लोग एक दूसरे को पहचानें। जो गांव के लोग हैं वो तो एटलीस्ट पहचानें हमें। सो बस मैं यहाँ परी को लेकर बैठी हूँ। सो पूरे रास्ते परी का ऐसे ही लेकर बैठी थी मैं। परी ने जाने के टाइम पर तो परेशान नहीं किया, थोड़ी देर ये जग रही थी, अभी ये सो गई है और फाइनली हम पहुंच गए लोनावला। सो ये है वो रिसोर्ट, रिसोर्ट का नेम है रत्ना रिसोर्ट और मैं कंटिन्यू परी को ही संभाल रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर सबका स्वागत हो रहा है, जो हमारे गांव के जो मेन अध्यक्ष है वो सबका स्वागत करवा रहे हैं। सो तिलक निकलवा रहे हैं, जेंट्स लोग का तिलक हो रहा है और लेडीज़ लोग को बिंदी टिक्की लगाई जा रही है और फिर जूस वगैरह सब स्वागत जैसे शादियों में होता है वैसा ग्रांड स्वागत हो रहा है। सो अच्छा लग रहा था, ये तो अभी शुरुआत है और फिर इसके बाद फंक्शंस हो गए, डांस वगैरह होगा, गेम्स होगा, खाना पीना। सो पूरा यहीं पर है, हम कल वापस यहाँ से निकलेंगे। सो वन नाइट स्टे है यहाँ पर और ये यहाँ पर जूस वगैरह। सो रूम्स में सब जो बैग्स हमारे थे वो अरेंज कर आ गए और अब हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने। तो ये आज का ब्रेकफास्ट है, काफ़ी सारी वैरायटी है, ये मेरी अकेले की प्लेट नहीं है, मैं और दीव दोनों खाएंगे और इसमें से काफ़ी कुछ रह भी गया था। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि सरसों का तेल ले लिया था मैंने घी समझकर, तो और मुझे ना कच्चा तेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसकी स्मेल इडली में आ गई और पोहे भी शायद वो सरसों के तेल में बने हुए थे, सो उसकी स्मेल आ रही थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, तो काफ़ी कुछ मैंने झूठा डाल दिया। और यहाँ पर अभी सब जो ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पर सारी लेडीज़ इकट्ठी हुई है, जेंट्स जितने भी है वो सब पूल में गए हैं। लेडीज़ लोग का पूल पार्टी कल है लेकिन मौसम बहुत ठंडा है तो देखते हैं कल क्या होता है। आज सब जेंट्स लोग का पूल पार्टी था तो सब जेंट्स पूल पार्टी कर रहे हैं और लेडीज़ यहाँ पर इंजॉय कर रही है। और मैंने अपना कपड़ा चेंज कर आ गई हूँ, परी का मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि वो फिर से सो गई थी, सो बस अभी उसको मैं लेकर आ गई हूँ फिट करा कर। अब यहाँ पर सब ब्रेकफास्ट कर आ गए हैं और अब यहाँ पर गेम्स खेला जा रहे हैं। यहाँ पर खेला जा रहा है दम शराज, जिसमें दो टीम बनी हुई है, एक टीम का एक मेंबर आएगा, उसको मूवी का नाम बताएंगे और वो दूसरी अपनी टीम को एक्ट कर बताएगा और सामने वाली टीम को पहचानना है कि मूवी का क्या नेम है। सो ये वाला गेम यहाँ पर चल रहा है और फिर इसके बाद करेंगे अब सब्जेक्ट डांस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ वीडियो पूरा ज़रूर देखना। और आप लोग के यहाँ भी ऐसे सम्मेलन ऐसा कुछ होता है तो वो भी कमेंट कर ज़रूर बताना। Thank you.
अब हम लंच कर कर आए हैं रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी सबका लंच चल रहा है। 600-700 लोग आए हैं टोटल हमारे गांव के, तो टाइम लगता है लंच होने में सबका। और जब सबका लंच हो जाएगा फिर उसके बाद फिर से प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, तो तब तक हमने सोचा हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। तो परी तो बिल्कुल भी नहीं सो रही, क्योंकि इसकी नींद तो बस में पूरी हो गई थी। और फिर ये बस हम आ गए फिर से बच्चों को सुला कर, और अब हम फिर से फंक्शन इंजॉय कर रहे हैं। तो दो टेबल लगाए हुए गेम के लिए, तो ये खेला जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगाना है, कुछ नहीं, सबको कॉइन दिए हुए हैं। तो जो जब सबसे ज़्यादा कॉइन जीतेगा उनको गिफ्ट्स मिलेंगे, बाकी किसी को पैसा वगैरह कुछ नहीं, पैसे का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा था, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली। और एक और टेबल था वहाँ पर, ऑड एंड इवन नंबर का कुछ ऐसा गेम था, तो सब खेल रहे थे, मैं सिर्फ ऐसे ही देख रही थी। और मैंने कॉइन भी नहीं लिया क्योंकि मैं थी नहीं जब कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, तब मैं परी को सुलाने रूम में गई थी और मुझे पता भी नहीं कि कॉइन कब मिले और कब लिए गए, तो मैंने नहीं लिए कॉइन फिर बाद में, बस मैं ऐसे ही देख रही हूँ। सो सब फन के लिए काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा लग रहा था, सब ने काफ़ी इंजॉय किया। और फिर उसके बाद मैंने खेला था म्यूज़िकल चेयर, जिसमें मैं विन भी हुई। फर्स्ट टाइम मैं किसी गेम में विन हुई, उसका वीडियो मैं नहीं ले पाई क्योंकि मैं खुद खेल रही थी और वीडियो कोई लेने वाला नहीं था। और पहली बार लाइफ में मुझे गिफ्ट मिला है, सो मैं काफ़ी खुश हो गई थी। और फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ पर पूल साइड में, यहाँ पर भी गेम जोन है बच्चों के लिए, और फिर पूल है और गार्डन था, तो काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ। तो अभी बज गए हैं रात के 8 और अभी चल रही है भक्ति। मैंने साड़ी वेयर की आज, रेड कलर का थीम था सो मैंने रेड कलर की साड़ी वेयर की। मेरे पास और भी थी रेड कलर की साड़ी, पर वो थोड़ी हैवी थी सो वो मैंने नहीं पहनी, क्योंकि परी को फिर वो वर्क चुभेगा, और ये भी थोड़ा थोड़ा चुभ ही रहा है वैसे परी को तो। और परी को भी मैंने आज न्यू ड्रेस पहनाया, पर अभी परी चिड़चिड़ हो गई है, उसको अभी अच्छा नहीं लग रहा है। पूरा दिन बच्चे हाथ में खुश नहीं रहते, बच्चों को स्पेस चाहिए होता है। सभी मैं भक्ति में लेकर गई थी परी को, लेकिन वो रो रही थी, तो मैं अब आ गई हूँ रूम में और रूम की हालत दिखाती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हमारी पूरी फैमिली रुकी है और मेरी जो बड़ी सास है वो भी रुके हैं। सो मैं अभी आपको रूम की हालत दिखाती हूँ, क्योंकि आ रहे हैं चेंज कर रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं चेंज कर रहे हैं जा रहे, तो वही चल रहा है सुबह से। मैं आपको एक मिनट बैक कैमरे से दिखाती हूँ, सब जगह पसारा। सो इसके बाद भी कुछ है म्यूज़िक नाइट, सूफी म्यूज़िक नाइट कुछ तो है, सो फिर से चेंज करेंगे और देखती हूँ पहले परी अगर खुश रही अच्छे से रहेगी तो ही मैं जाऊँगी, परी को रुलाकर मैं नहीं जाऊँगी। और काफ़ी इन्जॉय किया आज का हमने दिन, कल सुबह पूल पार्टी है,
फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा और फिर हम निकलेंगे फिर से यहाँ से। सो पानी में तो मैं नहीं जाऊँगी खैर, क्योंकि मुझे बार बार परी को लेना होता है और काफ़ी ठंडा मौसम है, अच्छा खासा ठंडा है, मतलब इतना गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कूल भी नहीं है, लेकिन ठंडा मौसम है। ऐसे परी के हाथ पैर ठंडे होकर, परी कैप भी नहीं पहनती है, उसको मैं पिनाती हूँ वो निकल के फेंक देती है, उसको मैं पिनाती हूँ वो निकल के फेंक ही देती है, क्योंकि इसने डे वन से कभी कैप पहना ही नहीं है। जब ये हुई, बॉर्न हुई थी, तब गर्मी का सीज़न था, सो इतना मैंने पिनाया नहीं, इवन हॉस्पिटल वालों ने भी नहीं पिनाया था, सो इसको आदत ही नहीं है कैप की, अब ये पहनती ही नहीं है। मैंने सुबह बस में आने के टाइम पर भी इसको पिनाया था तो ये निकल कर फेंक रही थी, तो इसलिए मैं अब इसको लेकर आई हूँ रूम में। अब ये यहाँ पर खुश है तो मैं इसके साथ यहीं पर रहूँगी, फिर बाद में हम लोग डिनर करने जाएंगे और परी के लिए मैं सेरेलेक बनाकर परी को खिला दूँगी और फिर देखिए आगे जो भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ ही आपके कमेंट बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। फ़ैन की आवाज़ आती होगी तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि बिना फ़ैन के भी नहीं रहा जा रहा है, भी फ़ैन मन करते हैं तो गर्मी होता है और ऐसे फ़ैन चालू है तो मौसम थोड़ा ठंडा है तो ठंडी लगता है, सो वो वाला सीन चल रहा है अभी। तो चलिए इसके बाद जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो अब नेक्स्ट डे हो गया है। रात को क्या हुआ ना, मैंने आगे कुछ वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि परी और मैं रूम में अकेले थे, परी को छोड़कर मैं नहीं जा सकती थी, परी सो गई थी उसके बाद, तो बस फिर मैं परी के साथ ही थी, तो उसके बाद मैंने कुछ भी फंक्शन अटेंड नहीं किया। और अब हम आए हैं पूल साइड, सो यहाँ पर हम पिक्चर्स क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पर बहुत सारी रील्स भी बनाई है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर देना, मेरी इंस्टा आईडी में यहाँ पर मेंशन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और ये देखिए ये पूल साइड व्यू यहाँ का काफ़ी अच्छा था और पानी में कोई भी नहीं गया क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, सो कोई भी लेडीज़ पानी में नहीं गई, सब यहाँ पर आई रेडी होकर और बस पिक्चर्स क्लिक किए और सब चले गए और फिर सब ने किया ब्रेकफास्ट और सब निकल गए। ये देखिए, मैं ना आने के टाइम पर बस में सो पाई और ना मैं जाने के टाइम पर बस में सो पाई, मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, जाने के टाइम पर भी बहुत नींद आ रही थी क्योंकि मैं एक घंटा ही सोई थी और आने के टाइम पर भी मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, पर मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं मिला क्योंकि डर रहता है कि बच्चे हाथ में कहीं गिर ना जाए, परी मेरे गोद से गिर ना जाए, तो वो चक्कर में मैं सो ही नहीं पाती हूँ। सो ऐसे होता है, इंजॉय भी किया, खैर हमने काफ़ी इंजॉय भी किया, लेकिन वही है कि थोड़ा रेस्ट नहीं मिल पाता है बच्चों के साथ, पर हाँ इंजॉय बहुत किया। सो हमारे यहाँ पर मैक्सिस मॉल के यहाँ पर लगा था मेला, तो दीव ने आते टाइम बस में से देख लिया था कि यहाँ पर मेला लगा है, तो बस उसने घर पर आकर ज़िद स्टार्ट कर दिया कि मुझे मेले में जाना है, मेला देखना है। एक्चुअली उसको उकसा उसके पापा ही रहे थे कि चल मैं तुझे मेले में लेकर जाता हूँ। सो फिर हम आ गए मेले में, मतलब मैंने घर पर जाकर आधा एक घंटा रेस्ट किया, फिर उसके बाद हम आए मेले में। सो बच्चों को लेकर आई मैं मेले में और दीव को एक्चुअली मेला नहीं देखना था, दीव को आना था मैक्सिस ही, मेले से उसको कुछ लेना देना नहीं था, मेले में ना उसको कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था, हम जबरदस्ती उसको दिखाने लेके गए मेला अंदर, वरना उसको तो अंदर भी नहीं जाना था, उसको मैक्सिस मॉल ही जाना था। सो ये है मेला 2022 का और काफ़ी राइड्स थी यहाँ पर, लेकिन हम किसी राइड्स में नहीं बैठ पाए क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, मैं अकेले नहीं बैठ सकती हूँ, ये भी अकेले जाकर नहीं बैठ सकते क्योंकि सारी राइड्स में कपल दो दो जन को बैठना था और अगर हम दोनों चले जाते तो बच्चों को हम नहीं छोड़ सकते, तो उस चक्कर में हम कोई भी राइड्स में नहीं बैठे, बस ऐसे ही मेला में घूम कर एक राउंड लगा कर फिर हम गए मैक्सिस मॉल में। सो ये देखिए, छोटी थी तब मैं उस राइड में बहुत बैठती थी, मतलब अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं इस राइड में बैठूँ। इसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं डोलर राइड्स, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं कमेंट कर ज़रूर बताना। काफ़ी हाइट थी यार इसकी, ये जो झूला है ना इसकी काफ़ी हाइट थी, मुझे तो देख के ही चक्कर आने लग गए, तो मैंने तो हिम्मत ही नहीं की कि मुझे बैठना है इसमें। मतलब बिल्डिंग से भी ऊपर जाते, जो इसके सामने 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये झूला उसके ऊपर जा रहा था, मतलब काफ़ी हाइट थी ये झूले की। सो मुझे तो देख कर ही ऐसा लग रहा था कि नहीं बाबा मैं तो अभी नहीं बैठ सकती हूँ, पहले बैठ जाते थे पर पता नहीं अब मुझसे नहीं बैठा जाता इतनी हाइट में, डर लगता है मुझे, हाइट से फोबिया है, हाइट का फोबिया है एक्चुअली मुझे। और दीव को भी यहाँ पर कोई झूले में बैठने में इंटरेस्टेड नहीं था, उसे तो बस उसका वही जो पुराना है मैक्सिस में सॉफ्ट प्ले एरिया, उसको वहीं जाना था, वो तो कब से ज़िद कर रहा था कि यहाँ पर क्यों चल रहे हो, वहीं पर चलो मुझे वहीं जाना है,
पर हमने सोचा अब आए हैं तो एक राउंड लगा कर जाते, तो बस सब देख रहे थे क्या है क्या नहीं, और फिर हम निकल गए मैक्सिस मॉल के लिए। मैक्सिस मॉल के लिए क्या, इसके सामने ही था मैक्सिस मॉल, तो बस हम फिर चले गए मैक्सिस मॉल में और सीधा बच्चों को लेकर गए प्ले जोन में, और वहाँ पर जाकर दीव और दित्वी दोनों ने इंजॉय किया सॉफ्ट प्ले एरिया, और मैं परी को लेकर बाहर बैठी रही। सो ये था हमारा आज का व्लॉग। फ्रेंड्स कैसा लगा व्लॉग कमेंट कर ज़रूर बताना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही बेल आइकन हिट करना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और ये देखिए यहाँ पर जो डेकोरेशन था क्रिसमस का, काफ़ी अच्छा लग रहा था।